विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इस टॉपिक को देखो, ये टॉपिक बहुत आसान है, पहले कह देता हूँ बेटा, इतना आसान टॉपिक है, आपको इसकी जो बेसिक जो चीज है वो आपको समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायपोल के कारण निकालना है, तो हमें विद्युत विभव मानना पड़ेगा, उससे कितनी दूरी पर पोटेंशियल मानेंगे, पॉइंट मानेंगे, कितना एंगल पे मानेंगे, उस चीज के बारे में हम करेंगे। तो देखो, पहले हम करेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव जो कि प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके मध्य की दूरी 2a है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2a है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बीच की बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो सबसे पहले हमें उस डायपोल को बना लेते हैं। ये मेरे पास एक डायपोल है, उसका ये जो है वो माइनस चार्ज है, और ये जो है बेटा वो कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम को गौर से देखना बेटा, बहुत अच्छा डायग्राम समझना आपको इस डायग्राम को, ताकि आपको इसमें कोई गलती नहीं हो। ठीक है, ये हमारे पास इस डायपोल के बीच की डिस्टेंस है, कितनी दे रखी है डायपोल की डिस्टेंस 2a। ये इसका सेंटर डायपोल का ओरिजिन, मतलब ये भी कितनी है a, ये भी कितनी है a। अब इस डायपोल के सेंटर से, पहली बात डायपोल की दिशा किस तरफ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये हमारे पास इस तरफ है। ये आपको स्किल रिमेंबर करनी है, आपको ध्यान रखना है। अब डायपोल से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, तो बेटा सुनना मेरी बात को, थीटा कोण बनाते हुए यहां जो थीटा कोण है वो P कैप और R कैप, मतलब इस तरफ थीटा जो एंगल होना चाहिए वो न्यून कोण होना चाहिए एक बार के लिए। तो न्यून कोण के लिए हमारे पास जो बिंदु P होगा वो हम यहां मानेंगे कि बिंदु P जो है बेटा वो यहां स्थित है इसके R दूरी पर। सॉरी, एक बार के लिए मिटा देते हैं। ये इसके पास केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर क्या है बेटा, एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P को मुझे क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये जो R है और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना चाहिए, थीटा। तो क्या निकालेंगे बेटा, इस द्विध्रुव से, इस द्विध्रुव से, द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण पर वह आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु जो P पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें बेटा बिंदु A से इसकी डिस्टेंस देखेंगे, बिंदु B से, सॉरी पहले B की देख लेते हैं। तो बिंदु B से इसकी डिस्टेंस जो मैंने मानी वो कितनी है, R2 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है R2। ठीक है, और बिंदु A से इसकी डिस्टेंस जो है वो देखते हैं कितनी होगी। बिंदु A से इसकी डिस्टेंस को बनाने के लिए देखो, आगे बस मैं इसको मिला देता हूं लाइन से, बिंदु P A से इसकी डिस्टेंस कितनी है R1। ठीक है, तो देखो बेटा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि ये जो डायपोल है वो दो आवेशों से मिलकर बना है, पहला आवेश है माइनस क्यू, दूसरा आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, देखो पहली चीज मैं आपको फिर से रिमेंबर करवा देता हूं कि बेटा ये जो आर थीटा है उस वो न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब मैं हमेशा यही जानूंगा, थीटा इज लेस देन 90 रखना है, और थीटा है क्या, थीटा है बोल सकता हूं एंगल बिटवीन इसमें बेटा पी कैप व आर कैप, मतलब पी कैप और आर कैप, तो आर कैप तो इस तरफ है और पी कैप जो है बेटा इस तरफ, तो थीटा हमारे पास ये होना चाहिए। अगर प्लस क्यू यहां बनाता और माइनस क्यू यहां बनाता तो ये पॉइंट जो बिंदु पी है हमारे पास अब स्थित है, वो बिंदु पी अब यहां नहीं होता, बिंदु पी बेटा मुझे लेना पड़ता। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब इस डायग्राम को बनाओ तो माइनस क्यू उधर रखना है, प्लस क्यू उधर रखना है, समझने के लिए सिंपल कंसेप्ट है, मूल बिंदु ये है तो प्लस वाला इधर होगा, माइनस वाला होगा उधर, याद रखने का तरीका है बस, केवल आपको इसको वो से नहीं समझना कि रियल में ऐसा होता है, रियल फिजिक्स उसकी ये। ठीक है, हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, इसके केंद्र से r दूरी पर जो बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या बेटा देखो, अब जो विद्युत विभव है बिंदु P पर
वो दोनों आवेशों के कारण होगा। तो हमें क्या निकालेंगे बेटा, बिंदु पी पर कुल विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत विभव, विद्युत विभव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव के अदिश योगफल के तुल्य होगा, अदिश योगफल के तुल्य होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, इसमें सिस्टम में दो ही चार्ज है तो पहले की कारण दूसरे की कारण, ठीक है। तो अब हमने क्या माना बेटा, माना माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी, बिंदु पी आर वन दूरी पर, आर वन दूरी पर स्थित है एवं प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी आर टू दूरी पर स्थित है। तो निकाल लेते बेटा, प्लस माइनस क्यू, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव वो कितना होगा, प्लस क्यू बिंदु बी पर उपस्थित है, बिंदु बी पर तो विभव होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन में कितना देगा आर टू। इक्वेशन दीजिए फर्स्ट, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव वो होगा वी ए, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज बिंदु ए पर उपस्थित है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ बेटा, के क्यू कोण में आर वन, ये लो। अतः क्या बेटा, द्विध्रुव के कारण कुल विभव तो लिख देते बेटा, इसको यही लिखता हूं मैं, सॉरी यहां थोड़ा नीचे लिखते, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव वो कितना होगा, V नेट फोर डाइपोल होगा V B प्लस V A, इसके अलावा क्या आगे पीछे V B प्लस V A कर दो, चाहे V A प्लस B कर दो, एक ही बात, V A प्लस V B कर दो, चाहे V B प्लस V A कर दो, एक ही बात रखते हैं इसके अंदर मान। तो डाइपोल के कारण विद्युत विभव तो आएगा V डाइपोल, वो कितना आ जाएगा, K Q तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, वन अपॉन में आर टू माइनस वन अपॉन में आर वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पॉइंट बना देता हूँ, ये लो। तो नेट विभव हो जाएगा ड्यू टू डाइपोल, वो कितना आएगा, के क्यू, के को बाहर निकाल लेते हैं तो के क्यू, ओके। अब देखो बेटा इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, आर वन माइनस आर टू अपॉन में कितना आएगा, आर वन इंटू आर टू। ये लो बेटा, बिंदु पी पर कुल विद्युत विभव आ गया किसके कारण, द्विध्रुव के। बट अभी जो डेरिवेशन जो हमने किया है, उस डेरिवेशन में जो फाइनल फॉर्मूला आया है, उस फाइनल फॉर्मूले के अंदर R1 व R2 आ रहे हैं, पर जब हम स्टडी करते हैं या जब इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर या आंकिक प्रश्नों के अंदर R1 R2 के मान नहीं दे रखे होते, उसमें हमें R और थीटा का मान दे रखा होता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन, जो कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं जिसका मेजरमेंट पॉइंट है, वो मेजरमेंट कौन सा है, एक तो ये R है और एक ये क्या है बेटा, थीटा। तो हमें आर और थीटा के पदों में क्या निकालना है बेटा, आर वन आर टू के मान निकालने। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब हम क्या निकालेंगे बेटा, आर वन व आर टू के मान आर व थीटा के पदों में व्यक्त करने पर। देखो बेटा पोटेंशियल का आंसर ये भी सही है, अगर आपको R1 R2 पता है तो आप इसके अंदर मान रख करके सीधा इसका आंसर निकाल सकते हो, पर मोस्ट ऑफ नहीं 101% क्वेश्चनों में हमें R ही दे रखा होता और थीटा दे रखा होता, R1 R2 नहीं दे रखा होता, तो हमें इसको चेंज ही करना पड़ेगा और हमारे पास कोई इलाज नहीं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसको परिवर्तन करने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, ओपी रेखा को, ओपी रेखा को पीछे की ओर, पीछे की
और बढ़ाकर पीछे की ओर बढ़ाकर बिंदु ए व बी से ओपी रेखा पर लंब डालने। देखो बेटा हमने क्या किया है, इस ओपी रेखा को हमने थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाया। ये लो ओपी रेखा को हमने क्या कर दिया, पीछे की ओर बढ़ा दिया। अब बिंदु ए और बिंदु बी जो है इसे हमें क्या करना है, इस ओपी रेखा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो देखो लंबवत ड्रॉ करने पर लंब डाला, एक लंब तो हमने डाला ये रहा, और एक लंब हमने यहां से यहां डाल दिया ये रहा। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। मान लेते हैं ये एम बिंदु पर है, ये कितना है एन बिंदु पर। तो बेटा आप देखो मैं इसको थोड़ा जो है वो मिटा देता हूँ, जो हमें काम की चीज नहीं आपको पता होना चाहिए, ये ए और ये भी कितना है ए। अब एक बात सुनो बेटा कि अगर ये एंगल थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और चित्र से स्पष्ट है बेटा, आप क्या देखिए बेटा, चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि बेटा देखो ना कि R1 जो है ना वो कितना है, R1 जो है वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है, R1 जो है वो अप्रोक्सीमेट इस पूरे के बराबर है। किसके बराबर, PN, देखो PN के बराबर। गौर से देखना, देखो बेटा अगर मैं देखो ये देखो यहां से लेकर के यहां तक की पूरी डिस्टेंस PN, और ये लगभग क्या है, बराबर है। क्योंकि ये जो आइडियल डाइपोल होता है उसके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, इसलिए ये जो है मैं कह सकता हूं जो हमारे पास R1 जो है वो किसके बराबर होगा, PN के क्या होगा, पूरा पूरा बराबर। और अगर देखा जाए कि अप्रोक्सीमेट बराबर है तो ये जो PN है वो किससे मिलकर बना है, PN जो है वो OP प्लस ON, OP प्लस ON। बेटा OP तो आपको पता है कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 8 दे रखा है। ON हमें क्या करना है, निकालना। बड़ा हम ON के लिए बाद में निकालेंगे उसको साइड में। इधर से देखा जाए, एक इधर देख लेते हैं, यहां से हम देखें कि जो R2 है वो देखो अप्रोक्सीमेट। अगर R2 देखें तो देखो बेटा R2 डिस्टेंस ये नहीं, इसको अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो देखो बेटा ये डिस्टेंस क्या है, बराबर। इसका मतलब ये इसके क्या है, इक्वल। तो R2 जो है वो किसके बराबर है, PN के बराबर है, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं। और ये जो है वो कितना देगा, लगभग देखा जाए PM जो है वो कितना है, PM PM है PO-OM, तो PO- कितना होगा, OM। ठीक है, चलो हमारे पास तो PO है वो कितना है वो देख लेते हैं। PO तो हमारे पास R है, OM हमें निकालना। इन दोनों में देखो OL और OM का मान निकालना है। देखो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसमें त्रिभुज लगा दीजिए। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, देखो इसमें OL निकालने के लिए त्रिभुज ANO में cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण। cos थीटा में आधार कितना है इसका, ON। आधार तो कितना है इसका, ON। और कर्ण कितना है, लंबे की सामने वाला वो कितना है, ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ओ एन बराबर कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा। इधर आगे भाई साहब ये देखा जाए, ये हमारे पास कितना है। अब देखे जाए कि बी त्रिभुज बी एम ओ में, बी एम ओ में देखा जाए तो वो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, आधार बट्टे में कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार कितना है इसका, आधार हमारे पास था ओ एम, अपन में कर्ण कितना है ए, तो ओ एम बराबर कितना देगा, ए कॉस थीटा। वरना बेटा सिंपल संकल्प देखना, अगर ये ए है तो ए का थीटा वाला घटक कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो देखो अगर ये है तो ओ एन कितना होगा, ए कॉस थीटा। अगर ये ए है तो इसका थीटा वाला घटक कौन सा होगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना इसके बारे में। अगर सीधा कर सको तो भी बढ़िया, अगर आपको इससे निकालना आना तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास R1 कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा। और यहां से हमें देखा जाए बेटा R2 इज इक्वल टू वो हो जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा। इसको दे दी समीकरण नंबर कितनी, 5। इसको दे दी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में जो पद चाहिए वो पहले पहले निकाल लेते हैं। पहला चाहिए मैं R1 माइनस R2, दूसरा में चाहिए R1 इंटू R2। ठीक है, तो क्या करना पड़ेंगे एक बार, तो समीकरण 4 माइनस 5 करने पर, 5 करने पर देखो बेटा R1 माइनस R2, आप गौर से देखना बेटा R1 प्लस R A प्लस
कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा। देखो माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा प्लस, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर वन माइनस आर टू जो आएगा वो कितना आएगा टू ए कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखें कि आर वन इंटू आर टू, तो आर वन इंटू आर टू देखो कितना आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा और आर माइनस ए कॉस थीटा। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर वन इंटू आर टू जो होगा वो कितना आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो समीकरण दे दी, इसको मैंने कितनी दी छह इक्वेशन दे दी इसको, कितनी बेटा सात इक्वेशन सिक्स व इक्वेशन सेवन का मान इक्वेशन किस में रखने बेटा थ्री में रखने पर, थ्री में रखने पर, थ्री में रखने पर कितना आएगा बेटा ई डाइपोल बराबर कितना आएगा के क्यू अपॉन में टू ए कॉस थीटा अपॉन में कितना है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। गौर से देखो बेटा, हमारे पास जो द्विध्रुव है उसका अगर डाइपोल मोमेंट निकाले, डाइपोल मोमेंट कितना होता है एक आवेश का परिणाम और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो बेटा यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट पी है वो कितना देगा एक आवेश का परिणाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो ये कितना देगा सॉल्व करने पर के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान आ गया। अब हम उसको आगे और सॉल्व करेंगे, अलग अलग केस निकाल के देखेंगे। चलिए देखते हैं पोटेंशियल वी डाइपोल, डाइपोल के कारण जो आया था वो कितना आया था के पी कॉस थीटा अपॉन में कितना था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने डायपोल का फॉर्मूला डिराइव कर दिया, जितनी वीक रहे थे लास्ट देख लेना आप। ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल केस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला स्पेशल केस लेते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब बिंदु पी अक्ष पर स्थित हो। अब बिंदु पी बेटा अक्ष पर स्थित हो, मतलब ये जो पॉइंट है वो अब यहां नहीं रहा, वो कहा गया बेटा घूम करके ये यहां आ गया। यहां आने पर एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री, तो मैं कह सकता हूं थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। इन दिस सिचुएशन कॉस जीरो का मान कितना होता है बेटा एक। अगर कॉस जीरो का मान एक है तो वी डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकाल रहे कहां पर एक्सियल पर, एक्सियल पर कितना देगा के पी कॉस थीटा अपॉन में कितना देगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां अगर बेटा आदर्श द्विध्रुव की बात करें, देखो शर्त होती है बेटा आदर्श द्विध्रुव, आदर्श द्विध्रुव के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आदर्श द्विध्रुव ये दिखता है तो आदर्श द्विध्रुव नहीं है। आदर्श द्विध्रुव आपको दिखना चाहते हो तो मैं आपको एज्यूम करवाना चाहता हूं, देखो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 2a, बिंदु P जो है बेटा वो यहां है। अब आप देखो बेटा ये तो कितना है R और ये कितना है A, तो मैं कह सकता हूं बेटा R जो है वो बहुत बड़ा है किससे A से। तो आइडियल डायपोल की जो शर्त आती है तो आइडियल डायपोल में क्या कहते हैं कि कैपिटल R स्मॉल R जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन कितना है बेटा A से। अगर ग्रेटर देन है तो इसका बेटा स्क्वायर कर दें तो ये दुगना हो जाएगा सर मेरे हिसाब से, मतलब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर ये और बड़ा हो गया तो इन दिस सिचुएशन अगर मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करूं तो वो अप्रोक्सीमेट आर स्क्वायर क्या आएगा इक्वल। तो डायपोल का जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखी है तो वो कितना होता है एक्सियल, तो वो कितना होता है के पी कॉस थीटा अपॉन में कितना होता है आर स्क्वायर। ये लो बेटा डायपोल का क्या आ गया बेटा अक्ष का रिलेशन आ चुका है। सेकेंड रिलेशन देखते हैं हमारे पास जो है डायपोल का निरक्ष वाला, जब बिंदु पी निरक्ष पर स्थित हो। अगर निरक्ष पर स्थित है तो देखना बेटा निरक्ष के लिए थीटा बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। इन दिस सिचुएशन कॉस 90 का तो मान है जीरो होता है, अगर कॉस 90 का मान जीरो बेटा
थीटा रखने पर डायपोल के अगर एक्स इक्विटोरियल पॉइंट पर देखें, डायपोल कहां पे, इक्वे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल तो कितना आएगा 0 वोल्ट, मतलब डायपोल के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। यहां से एक प्रश्न का उत्पन्न प्रश्न उत्पन्न होता है या प्रश्न बनता है, वो कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा के पदों में विद्युत विभव का मान ज्ञात करो। ये लो बेटा, इसमें आर भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है, और सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, और द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, अधिकतम मैक्सिमम पोटेंशियल यही होता है। लो भाई साहब, हमने कर लिया इस चीज के बारे में। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक चीज आ रही, देखो ये कॉस थीटा, इस फॉर्मूले की बात करते हैं, ये कॉस थीटा है, और मोस्ट ऑफ केस में आइडियल डाइपोल ले लूंगा ना बेटा, तो मैं इस केस को सीधा लिख दूंगा, ऐसे ध्यान रखना, केपी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आप सब जानते हो बेटा ये चीज बहुत बड़ी होती है, तो इन सिचुएशन में रह जाएगा, अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो एक का स्क्वायर करने पर फिर केस भी ये बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, केस थर्ड में विद्युत विभव को, विद्युत विभव, विद्युत विभव को अदिश गुणनफल के पदों में व्यक्त करने पर, गुणनफल के पदों में व्यक्त करने पर। बेटा एक बार ध्यान रखना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो अदिश राशि है तो इसका मतलब 101% ये हो गया कि वो जो भौतिक राशि है वो कोई ऐसी दो राशियों से मिलकर बनी है जिनका अदिश गुणनफल होने पर वो क्या मिली है, हमें मिली। और यहाँ पे जो हमारा डायपोल का जो पोटेंशियल है वो एक अदिश राशि है, इसका मतलब और कॉस थीटा भी आ रहा है, हैरानी की बात ये, कॉस थीटा भी आ रहा है। अगर कॉस थीटा आने का मतलब यहाँ ये हो गया कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट तो था ही, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो कितना था बेटा ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब यहाँ कॉस थीटा जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस चीज को गौर से देखिए बेटा, मैं इस डायपोल की चीज को लिख रहा हूँ कि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसके लिए बेटा, आइडियल डायपोल के लिए, वो होता है के पी कॉस थीटा अपॉन में कितना है आर के। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि आर के कितना है, एकांक सदिश, सदिश बटे में सदिश का परिमाण। अब तुम्हें पता बेटा एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक हो सकता है यहां पर वो एक है, नॉर्मल सी बात, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यहां जो एक है ना उसको मैं लिख सकता हूं बेटा कि P और कितना आएगा आर कैप का मोड और कॉस थीटा, कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि ये एकांक सदिश का परिमाण है, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है एक, वो पहले दिख रहा था हमारे पास एक। अब देखो यहां पर डॉट प्रोडक्ट बन सकता है, परंतु इससे पहले हम आर कैप के लिख देते हैं, तो देखो बेटा सुनो मिनट के लिए, मैं डायपोल को लेके आऊं सीधा, तो देखो डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन में कितना देगा आर के स्क्वायर। आपको पता बेटा आर कैप होता है कितना, आर वेक्टर अपॉन आर का मोड, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन में कितना देगा आर की क्यू। ये दोनों ही आंसर जो है बेटा वो दोनों सही है, ये कैप के पदों में था और उधर वाला अल्ट्रा में हमारे पास वो किसके पदों में, आर वेक्टर के पदों में। ठीक है, केस थर्ड भी हमारे पास हो गया, केस फोर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो केस फोर्थ जो हमारे पास है वो देखते हैं क्या। केस फोर्थ में आपको एक बहुत एक हल्का सी चीज बताएंगे, देखो हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव वो कितना होता है, इसको मैं अगर V1 मान लूं बढ़ के लिए तो कितना होता है के क्यू बाय आर, और ये पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट के कारण पी ले लेते हैं, और यहाँ डायपोल के लिए डी ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना होता है के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इसको बेटा लिख सकते हैं इसको के क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। भाई साहब आप इसको गौर से देखने में, इसको एक अरेंजमेंट कर रहा हूं या रीअरेंज कर रहा हूं, तो रीअरेंज करने पर देखो के क्यू एक आर तो मैंने ले लिया इधर, और ये कितना आ गया टू ए कॉस थीटा अपॉन में आर। ये देखो बेटा क्या बन रहा है, वीपी बन रहा है, नहीं बन रहा पॉइंट चार्ज के कारण,
तो कितना आ जाएगा, वी डाइपोल जो आएगा, डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 2a cos थीटा अपॉन में r के इक्वल क्या आएगा, गुणनफल के लिए होता है। समीकरण तुम्हारे पास लास्ट है, मैं कितना दे देता हूं उसको, जो भी देना तुम बहुत ही निश्चय कह देते हैं। समीकरण जो लास्ट आई है हमारे पास उससे स्पष्ट है कि विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव जो होता है वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के 2a cos थीटा अपॉन r के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। ये हमारे पास बिंदु आवेश सॉरी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का टॉपिक समाप्त हो गया। और कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज हमें क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजो।